अज बनावांगे जी अपना चावल दियां पिन्नियां खोआ पाके। ते बहुत ही हेल्दी जी रेसिपी है, ते क्विक रेसिपी है, ज़्यादा कुछ अपना चाहिए भी नहीं, ते जल्दी बनने वाली रेसिपी है। ते चलो जी कर दें रेसिपी स्टार्ट। हाँ जी, सारे नूं प्यार भरी सत श्री अकाल, स्वागत है थोड़ा मेरे चैनल पर जस दी किचन च। ते होर दसो जी, सारे ठीक ठाक हो? ते अज आपां बनावांगे एक रेसिपी, आपां ने बनानी अज चौलां दी पिन्नियां। ते मैं थोड़े नाल रेसिपी शेयर करांगी। ते इहदे विच आपां ने खोआ पा के बनानिया, बिना खोए तो भी बन जांदियां, उह आपां कदे फिर रेसिपी शेयर करांगे। ते खोआ मैं घरे बनाया होया, तुसीं चाहुंदे हो तां मार्केट वाला भी यूज कर सकदे हो। ते चलो जी फिर करदे हां रेसिपी स्टार्ट। चौलां दी पिन्नियां बनाउण लई जी, सब तो पहला तुसीं एक कड़ाही च देसी घ्यो पा लेना, एक बड़ा चम्मच। तो तुसी देसी घ्यो की जगह होर कोई तेल भी यूज कर सकते हो, जिमें मूंगफली का तेल हुंदा है, नारियल का तेल, पर अगर तुसी देसी घी बनाओगे तो ज़्यादा वधिया बनदिया है, फ्लेवर बहुत वधिया आता है। तो तुसी गर्म कर लेना। तो इधर मैं खोआ रख्या होया है, ये मैं घर बनाया सीगा। अगर तुसी वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन च लिंक दे दूंगी। ये अद्धा किलो तो थोड़ा जहा घट है अपना खोआ, जिन्ना अपना खोआ है तुसी उतो घट चावल का आटा पाना है। अगर अद्धा किलो है तो तुसी 400 ग्राम पा लेना है चावल का आटा। अगर तुसी मतलब हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी खा सकते हो तो तुसी बिल्कुल बराबर मात्रा च पा लेना है, जिमें जिन्ना खोआ है उन्ना चावल का आटा पा लेना तुसी। तो मैं बराबर मात्रा च पाऊंगी क्योंकि इन्ना हैवी नहीं खा सकते, हुण मैं भी वर्कआउट छड्डिया होया अपना, तो इन्ना हैवी खा के फिर प्रॉब्लम होंदी है। तो जिमें कि गर्म हुंदा है तो आपने चावल का आटा बिच पा देना है। तुसी किसी भी चावल का आटा ले सकते हो, अगर थोड़े कोल चावल का आटा है नहीं तो तुसी इनू घर भी बना सकते हो। तुसी पहला की करना, तुसी चावलों धो के चंगी तरह सुखा लेना, अगर धुप है तो, नहीं तो पक्खे थले एक दिन च आराम नाल सुक जाने। तो फिर तुसी इनू ग्रैंड कर लेना चावलों, मिक्सी च पा के मिक्सी च ग्रैंड कर लेना तुसी। तो फिर तुसी छान लेना तो थोड़ा चावल का आटा तैयार हो जाना। तो तुसी इनू मीडियम फ्लेम पर एवें भुन लेना। भुनना इनू बहुत जरूरी हुंदा है क्योंकि ये एक तो हल्की जी नमी हुंदी है, तो थोड़ा जिहा इहदे विच जिहड़ा इन्हां दा चावलों का कच्चापन हुंदा है वह भी निकल जूगा, तो फिर टेस्ट भी वधिया आऊगा अपनियां पिन्नियां का। तो तुसी मीडियम फ्लेम पर हमेशा इनू एवें चलाते रहना क्योंकि छेती जल जाता, जिमें सूजी की तरह ही हुंदा है, बहुत जल्दी जल जाता। तो हल्का जिहा इहदा कलर चेंज हो जाना उदों तक अपने इनू एवें भुनते रहना, लगातार चलाते रहना है। ये देखो जी अपने चावलों का हल्का हल्का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया, पूरी तरह नहीं अजे होया, थोड़ा जहा टाइम होर लगेगा, थानू थोड़ा जहा सबर रखना पेगा इनू भुनण च क्योंकि थोड़ा जहा टाइम ज़्यादा लगता है। भुनना इनू बहुत जरूरी है क्योंकि ये हल्की जी नमी होंगी है, अगर तुसी नहीं भुनोगे तो फिर तुसी ज़्यादा टाइम इन्हें पिन्नियां नू स्टोर नहीं कर सकोगे, इन्होंने खराब हो जाना जल्दी नमी की वजह न, इसलिए इन्हों भुनना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ये मेरी फेवरेट पिन्नियां है क्योंकि मैंने चावल बहुत पसंद है, चावल वाली पिन्नियां मेरी फेवरेट है। उनताश दी कितनी फेवरेट है, खोए वाली दूजिया सूजी वाली, तो मेरी चावल वाली पिन्नियां फेवरेट है। तो देखो जी, तो जो हल्की है जी अपना चावल दे आटा भुन हो जाए तो अपने एक चम्मच होर ये घ्यो का पा देना, एक चम्मच अपन ने पहला पाया सी, एक चम्मच अपन ने जो हल्का जहा भुन जाए फिर पाना पता इन। तो ये कुल मिला के अपना दो वे चम्मच घ्यो दे पैंदे हैं, ये वाली पिन्नियां च एक चम्मच अपन ने पहला पाता सी, एक चम्मच अपन ने हुण पाता, जो मतलब यह बस 80% अपना आटा भुन चुके है, बस थोड़ी जी कसर जी रह जाती है जदों उदों आपां ने इहदे च घिओ पा देना है एक चम्मच वड्डा होर, ते इहनूं चंगी तरह मिक्स कर लेना है। ये देखो हल्का हल्का कलर चेंज हो गया जी, आटा अपना भुन चुक्या है,
कलर हल्का ही चेंज करना अपने, पूरी तरह नहीं। हुण अपन इहदे च खोआ पा देना है। तो देखो जी मैं खोआ पाता, तो इहनू एवें मिक्स कर लेना। अजे ये सुक्का सुक्का लग रहा क्योंकि खोए ने अजे मेल्ट होना है, तो फिर इन्हें बिल्कुल वधिया अपनी शेप च आ जाना। तो एवें चंगी तरह तुसीं इहनू मिक्स कर लेना। इन्हें जद तक ये मेल्ट नहीं हुंदा उदों तक मिक्स करते रहना। उस तो बाद फिर अपने ये चीनी पानी है, पाउडर पाउडर शुगर पावांगे अपना ये। तुसीं चाहो तो ब्राउन शुगर भी पा सकते हो, पर मैं ये वाइट शुगर पावांगी क्योंकि उहदे नाल ही ज़्यादा वधिया टेस्ट आउंदा है। तो देखो जी अपना खोआ जिहड़ा चावल दे आटे च बिल्कुल मिक्स हो गया चंगी तरह। तो हुण आपां ने इहदे च पाउणी है पाउडर शुगर। मिठा करना वो तुहाडा टेस्ट है, तुसीं किन्ना कु मिठा खांदे हो। तो मैं पा रही हूँ ये 200 ग्राम वाइट शुगर, बाकी तुसीं घट वध कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इनू भी चंगी तरह तुसीं मिक्स कर लेना। अज मेरा ट्राईपॉड खराब हो गया, इसलिए मैं हाथ नाल ही शूट कर रही हूँ, ताहीं कैमरा हिल रहा है बार बार। तो देखो जी शुगर पाउण नाल एकदम, क्योंकि शुगर च नमी हुंदी है हल्की जी, ये मेल्ट हो गया बिच खोआ चंगी तरह। तो बिल्कुल लिक्विड ही हो गया, इन्हें हुण ठंडा जो होना उदों ठीक होना। तुसीं इहदे च कोई भी ड्राई फ्रूट अपनी पसंद ऐड कर सकते हो, पर मैं नहीं ऐड करूँगी क्योंकि गुंताश नहीं खाँदा। मैं सिर्फ इहदे च थोड़ी जी अजवाइन ते थोड़ी जी सौंफ ऐड करूँगी क्योंकि इन्ने ज़्यादा ड्राई फ्रूट नाल फिर बहुत ज़्यादा गर्म। तो अजवाइन तो मिठी सौंफ हुंदी जिहड़ी आपां चाह दुध च पाउंदे आ, बस मैं वह ऐड करूँगी। अजे लिक्विड है, जिवें ही इन्हें ठंडा होना उवें ठीक होगा। हुण आपां इहदा ठंडे होने तक की वेट करते हैं, फिर आपां पिन्नियां बनावांगे इहदियां। तो देखो जी अपना बैटल हो गया ठंडा, तो हुण आपां पिन्नियां बनाने, देखते हैं कि बनती है कि नहीं। हमने पहले बना के देख ली थी, बन गई थी वैसे। देखो जी बन गई, बन रही है। तो मैं अपने सारियां पिन्नियां बना लेनी है। वैसे मेरा बनाने का मन था, तो उसी भी बना लो। एक चिकन लेता हूँ। तो देखो जी अपनियां पिन्नियां बन के बिल्कुल तैयार हो गई, तो बहुत सोहनिया बनिया एकदम, तो कलर भी वधिया आ गया। तो अजे थोड़िया ही ठंडिया हो तो फिर सैट हो शेप चीगियाँ, अजे हल्किया जी गर्म सगिया। तो तुसी एक बार एवं जरूर ट्राई करो। तुसी चाहो तो ये ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो, बट मैं नहीं किते, मैं नहीं पसंद, गुंताश भी नहीं खाता, मैं एवं सिंपल वाली वधिया लगदी है। तो तुसी चाहो तो कर सकते हो ड्राई फ्रूट ऐड। हाँ जी होप सो तुसी रेसिपी देख ली होनी ते तुहानू वधिया लगी। अगर वधिया लगी तो चैनल नू सबसक्राइब करके बैल आइकन प्रेस कर लो ताकि तुहानू नोटिफिकेशन मिल जाए जदों भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करा। तो हुण आपां मिलांगे किसी नवी वीडियो च जां किसी नवे ब्लॉग च, उदों तक थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।